5 things that Indian managers can learn from Mogambo. Number 5, don't micromanage. Mogambo कभी भी अपने ग्राउंड लेवल की टीम के पास जाकर के माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता था. उसने 2 TL रखे हुए थे, दागा और तेजा. सारा काम उनको असाइन करता था, स्टेटस अपडेट भी उन्हीं से मांगता था. अब वो नीचे वाले लोगों से कैसे काम करवा रहे हैं ये उनका हेडेक है. नंबर 4, अपनी टीम को क्लियरली डिफाइंड गोल्स दो. एम्बिगुअस स्टेटमेंट मत मारो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है. क्लियर टास्क दो, जैसे मोगैम्बो देता था कि मुझे हिंदुस्तान पर राज करना है, मुझे गायब होने वाला गैजेट चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे लाके दो बट मुझको चाहिए. नंबर 3, एक लॉयल वर्क फोर्स तैयार करो. मोगैम्बो की वर्क फोर्स इतनी लॉयल थी कि उसके एक इशारे पे तेजाब के कुएं में कूद जाया करते थे. नंबर 2, अपनी टीम से काम करवा रहे हो तो उनके एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखो. जब मोगैम्बो के यहाँ पे क्लाइंट विजिट हुआ तो उसने पार्टी रखी. पार्टी में मिस हवा हवाई को बुलाया गया. दारू ऑन द हाउस है, गाना हो रहा है, मस्ती हो रहा है और उसकी टीम के सारे लोग इन्वाइटेड थे. ये नहीं कि 300 रुपए का कूपन दे दिया और बियर का वो मिल रहा है, खाली एक पी सकते हो, दो पी सकते हो. ऑन द हाउस बढ़िया, एकदम रंगबाज पार्टी हो रही है. एंड फाइनली नंबर 1, तुम्हारी टीम इतना मेहनत करती है, तुम्हारे लिए काम करती है, कभी कभी खुश भी हो जाया करो यार. मोगैम्बो अपनी टीम की हर छोटी से छोटी विक्ट्री पर खुश हो जाया करता था. इनफैक्ट एक्सप्रेसिव भी था, बोलता था मोगैम्बो खुश हुआ.